हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और आज क्या बोली थी मैं, मौसम आज बहुत ठंडा है। और देखिए, मतलब मुझे ना साड़ी पे स्वेटर पहनना समझ नहीं आता, कैसे पहनूं क्या करूं। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ बेडशीट वगैरह मैं चेंज करूंगी, तो मैंने आपको बेडशीट दिखा देती हूँ। पहले ये वाली बेडशीट है ना, ये वाली मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, काफ़ी अच्छी है, बहुत सस्ते दामों में मुझे पड़ी थी। ये मुझे 300 कुछ की पड़ी थी। अच्छी है बेडशीट, इसका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा है, तो मैं यही बिछाऊंगी। और आज मुझसे कोई मिलने आने वाला है, तो बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। बाकी मेरा काम वाम सब हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। मैंने सूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं जल्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं बस बेडशीट चेंज करना बाकी रह गया। मैंने, आप सोच रहे होंगे पहले से क्यों नहीं की, तो पहले से मैंने इसलिए नहीं की ना कि बच्चे वगैरह बहुत मतलब तुरंत गंदी कर देते हैं ना, तो इस वजह से मैंने कहा तभी बिछाऊंगी। तो चलिए पहले बेडशीट बिछा लेते हैं। तो ये है बेडशीट का फाइनल लुक, और ये बेडशीट मैंने आज फर्स्ट टाइम बिछाई है। कैसी लग रही है आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मैं आई हूँ किचन में अभी खाने की तैयारी कर लूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिक्स वेज जो बिल्कुल हलवाई जैसा बनता है वो। तो चलिए पहले आपको सब्ज़ी दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर लिए मैंने आलू, इनको मैंने धो करके काट लिया है। और ये लिए है मैंने गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और मटर। तो यहाँ पे आप और भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे बीन्स है, सेम की फली है, वो भी ले सकते हो। तो मेरे पास जो सब्ज़ी अवेलेबल थी अभी मैंने वही ली है। और यहाँ पे ऑयल रख दिया है सरसों के ऑयल में, मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ आलूओं को, तेल गर्म हो चुका था। और एक साइड इधर मेरी देख रही हूँ कि यहाँ पर जवा जो सेवियों वाली खीर होती है वो बन रही है। तो आलूओं को हम फ्राई कर लेते हैं, आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं इस जगह पर, बट मैं बिल्कुल हलवाई में जैसा बना रही हूँ तो वैसा ही मैंने डीप फ्राई किया है इसको। आलू हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। और ये सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम बस यही लगता है कि फ्राई करने में, बट फिर बाद में हमको नहीं पकाना पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी होती है सब्ज़ी, गल चुकी होती है फ्राई करने में ही, तो हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो आलू हमारे इस तरह से फ्राई हो गए देखिएगा। और मैं अब डाल रही हूँ इसमें गाजर और जो है गोभी, शिमला मिर्च में भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा लेट डालूंगी। इनको जब गाजर और गोभी हमारे आधे से फ्राई हो जाएंगे ना, तब फिर मैं इसमें ये शिमला मिर्च और मटर ऐड करूंगी बाद में। तो यहाँ पे आधे फ्राई हो चुके हैं, आधे गल चुकी थी सब्ज़ी हमारी, तो मैंने अभी इसमें डाली है मटर और अभी डाल दूँगी शिमला मिर्च। इनको मिक्स करके इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इनको मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, सैलो फ्राई किया है। तो यहाँ पे मैं ढक देती हूँ इसको कि जल्दी हो जाए ये, तो अब देख लेते हैं। और सब्ज़ी हमारी लगभग गल गई है, गल भी गई है, फ्राई भी हो गई है, हो भी गई है सब्ज़ी अच्छे से। बस अब हमें इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये गाजर, ये गोभी का कलर भी चेंज हो गया है और सब्ज़ी हमारी हो भी चुकी थी। तो बस मैं इसको भी इसी में निकाल लूँगी जिसमें मैंने आलूओं को निकाला था, उन सब्जी को मैं एक ही में रख लूँगी पूरा। ये देखिए मैंने सब्जियों को निकाल लिया है। तो मैं इसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं इसको ऑयल को भी निकाल, क्योंकि अब हमें सब्ज़ी में ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, सब्ज़ी हमारी फ्राई भी ऑयल में ही हुई है। तो मैं अब जो छोंक जो लगाऊंगी सब्ज़ी में वो बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ही लगाऊंगी। देखिए मैंने इतना ऑयल निकाल लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जो हमने पनीर काट करके रखा है इसको हम फ्राई करेंगे।
क्योंकि सब्जी में पनीर भी डालती हूँ, और तो अगर आप नहीं डालना चाहें, ऑप्शनल है तो कोई वो नहीं है, मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, कच्चा पनीर। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी में, वैसे तो मैं हर सब्ज़ी में पनीर वगैरह में ऐसे ही रखती हूँ, नहीं फ्राई करती, पर इस सब्ज़ी में मैं फ्राई करके डालती हूँ, इससे कलर अच्छा आता है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें जीरा, और जीरे के बाद मैंने लिया है इसमें अदरक, तो वो मैं डाल दूँगी। अदरक को मैंने कस लिया था, या पेस्ट भी बना सकते हैं, तो मैंने वही लिया है। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही डालती हूँ मैं ज़्यादा, और लाल मिर्ची पाउडर। तो मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ सब्जियों में, ये वो कुछ नहीं, बस सिंपल जो घर में मसाले होते हैं, जो नॉर्मल सब्जियों में डलते हैं वही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने टमाटर को, टमाटर को आप पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने कट किया है, और इसको हम ढक करके पकने देंगे टमाटर को, जब तक टमाटर गल जाएगा तब हम इसमें और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर हमारे गल चुके थे, तो मैंने ली है यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मलाई, जो घर की मलाई है दूध से निकाली हुई, वो तो वो मैं डाल दूँगी। वो इस सब्ज़ी में बहुत बिल्कुल जो हलवाई वाला टेस्ट देती है, एकदम रिच फ्लेवर देती है सब्ज़ी में। तो इसको भी हम ढक करके, जब तक इसका जो ऑयल, जो घी होता है मलाई का, वो ना निकल आए, तब तक हम इसको भी पका लेंगे। तो बहुत जल्दी हो जाता है, ये नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगता है। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है, बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें सब्जियों को ऐड कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखी थी वो वाली सब्जियों को। तो इसको हमें ज़्यादा अब नहीं पकाना है, बस लगभग 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है मैंने, और इसको मिक्स करके नमक को, तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके, और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और पनीर। तो यहाँ पर पनीर भी मैंने डाल दिया है, और मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी। ये देखिए ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है इसमें। इसको डालने के बाद डाला है गरम मसाला, बस यही मसाले मैंने डाले हैं। आप चाहें तो सब्जी वगैरह का मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ सिंपल घर के मसालों से ही बनाई है सब्जी, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी थी। इसको मिक्स करने के बाद इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए, जिससे कि इसमें मसाले सब एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। अब बताया था जैसे मैंने कि फ्राई करने के बाद सब्जी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए इसका कलर ही आप देख लीजिए, और बहुत ही टेस्टी। तो कढ़ाई को कर लेते हैं खाली, इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ सब्जी को। ये देखिए, और सब्जी ना बहुत ही अच्छी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो सब्जी हमारी यहाँ पे देखिए बन चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालूंगी इसमें पनीर कस करके। ये देखिए लग रही है ना सब्जी, बिल्कुल एकदम हलवाइयों वाली, बहुत ही टेस्टी बनती। उसके बाद फिर मैंने लगाया था पूड़ियों का आटा, और अभी खीर मेरी नहीं बन पाई थी, सब्जी बन गई थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। और इधर फिर मैंने डाला है इसमें घी कढ़ाई में, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ उसी कढ़ाई को साफ़ करके पनीर की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने डाला है जीरा, इसको मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे हम इसमें सीक्रेट डालते हैं, इसमें हमने डाला है 1 चम्मच बेसन और टमाटर की प्यूरी, क्योंकि मैं सारी सब्जियों आज बिना प्याज की बनाई है ना, तो इसमें प्यूरी में थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए आप काजू डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल काजू भी नहीं डाल सकते भाई, तो बेसन तो रहता ही है, तो बेसन डाला है, उससे आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे और सब कोई मसाले नहीं, नॉर्मल जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, धनिया पाउडर, धनिया और हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, बस यही। तो इसमें आप जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हो, वो उस सब्ज़ी में भी कर सकते थे, बट मेरे पास थी नहीं, अभी ख़त्म हो चुकी थी इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये अब जब ये हमारी टमाटर की प्यूरी अच्छे से पक जाएगी, भुन जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे मावा। तो मावा इसलिए मैं डाला है कि इससे ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्ट आता है। उस जगह पे आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो, तो मलाई नहीं डाली, मावा रखा हुआ था घर पे, तो मैंने वही डाला है। और जो थिकनेस होगी सब्ज़ी की वो बेसन से आएगी। तो यहाँ पे अब हम डाल देते हैं इसको, इसमें मटर, अब हम ऐड कर देंगे इसमें जितना हमें पानी चाहिए वो पानी, और नमक। तो नमक मैंने अभी डाला है, उससे पहले नहीं डाला था। तो यहाँ पे हम पानी कर देंगे, ये देखिए पानी हमें जितना रखना है उतना हम रखेंगे इसमें, और ज़्यादा पतली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है पनीर वगैरह की। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच चीनी, इसी टाइम में चीनी डाल देती हूँ, जिससे कि जब सब्ज़ी हमारी खूब बॉईल होगी ना, तो चीनी का जो वो होता है
पनीलापन नहीं रहेगा। और अब इसको सब्जी जब हमारी बन जाएगी तो हम डाल देते हैं इसमें पनीर, और इसके बाद जाएगा इसमें कसूरी मेथी, जो कि बहुत अच्छी लगती है मेरे को इस सब्ज़ी में, बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी सारी बन चुकी थी और इधर हमारी जो खीर है वो भी पक चुकी थी। तो अब हम कर लेते हैं पूड़ियाँ बनाने की तैयारी। तो चलिए बस अब हम लगा लेते हैं थालियाँ। पूड़ियाँ बन गई हैं, तो बन गई भी नहीं है, गरम गरम मैं बनाती जाऊंगी और सेकती जाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ थाली, तो बस दो थाली लगाई है पहले मैंने, पापा जी की और भैया की, तभी ये लोग खा नहीं रहे थे। यहाँ पे थाली लग चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए। अब हम आ गए हैं अंदर, तो यहाँ आज मैंने बिस्तर ज़मीन पे किया है, तो कृष्णा लेटा हुआ है इधर। और यहाँ मैंने बोला था बट सॉन्ग चल रहा था, इस वजह से मैंने ना वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे। तो ये मैं मिलवाती हूँ अपने भैया से, तो ये ही आए हैं। चलिए तो ये है हमारे भैया जी, ये आए हैं राधे। राधे राधे जी। बस फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे बातें करने, कि भैया बहुत दिन में आए हैं, लगभग 1 साल सा हो गया उसके बाद आए हैं ये, तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे बातें। तो बहुत लेट हो गए थे हम, लगभग हमें 1:30 बज गया था बातें करते करते। मूंगफली भी खाते जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं। तो चलिए आज मैं वीडियो का एंड यहीं से कर देती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी बोर होते हैं ना। तो बस मैं यहीं से वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरी वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।